सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं आज लाहौर। मोटरवे तो बंद है अभी, इधर आए थे तो ये तो 7-8 बजे खुलेगी, तो अब हम जाएंगे जीटी रोड से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फाइनली हम लाहौर पहुंच गए हैं, मैं हूं और मेरे साथ चौधरी हैदर है। कैसे हैं भैया जी? शुक्र है। और अभी हम घूम रहे हैं इधर लाहौर में, हमने नाश्ता करना है, कोई जगह पसंद नहीं आ रही हमें, फर्स्ट टाइम आए हैं तकरीबन हम, तो पता भी नहीं है इतना लाहौर का, तो अभी घूम रहे हैं बस ऐसे ही, कोई जगह अच्छी सी मिल जाए नाश्ते के लिए। नाश्ते से स्पेलिंग जी, तो फाइनली हमें एक जगह पसंद आ गई है, अब इधर बैठ के नाश्ता करने लगे हैं, तो उसके बाद फिर निकलेंगे लाहौर घूमने। जो साहब करो शुरू, पढ़ो बिस्मिल्लाह। तो सब पैदल असी थक जाना, एक गड्डी ले ली किराए। जी, तो पहले हम गए थे मीनारे पाकिस्तान वाली साइड पे, और अभी आए इधर शाही किले के पास, ये पीछे शाही किले का गेट है, और इधर बादशाही मस्जिद, और उधर साथ में लामा इकबाल का मज़ार है। जो साहब आप पहले आए इधर? नहीं, कभी भी नहीं आए? कसम से, कसम से। मैं तो आया था इधर तकरीबन आज से कोई 12-14 साल पहले आया था स्कूल ट्रिप के साथ, और आज आया हूँ इधर। जो साहब पहले किधर जाना पसंद करेंगे, लामा इकबाल के मज़ार पे कि मस्जिद में? मस्जिद। नमाज कभी पढ़ी नहीं, तू मस्जिद च जाना है। सब शाही किले जाना? सुना तुम मुगल होंगे?
3:30 वाला रात ही जी। तो ये थी लाहौर की कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, और अभी हम जा रहे हैं गैराज में, जिसके लिए मैं सियालकोट से आया हूँ इधर लाहौर। मैं सोच रहा हूँ इसका इंजन स्वैप कराने का, तो उसका एस्टीमेट लगवाना था थोड़ा, क्या सिस्टम है उसका, कितने पैसे लग गए और सामान कौन कौन सा अरेंज हो जाएगा, कौन कौन सा मंगवाना पड़ेगा। तो अभी जा रहे हैं उधर, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इधर लाहौर में, तो अभी रश में फंसे हुए हैं, तो उम्मीद है थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे उधर। और मैंने तो सो लिया था रात को, और ये चोन साहब नहीं थे सोए और आप सो रहे हैं इधर गाड़ी में। चले Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. Start kar do. जी तो गाड़ियां चेक की हैं आपने, अभी इस गैराज में आए थे हम और इंजन का पता करना था थोड़ा, तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए हमें, या तो V8 डालो 3UZ या फिर 1JZ GT। 1JZ GT थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अब देखते हैं बजट सेट करते हैं अपना, कोई उस हिसाब से चलेंगे। फिर फिलहाल अभी जा रहे हैं, इस गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है और एक दोस्त को मिलना है इधर लाहौर में। जी तो दोस्त से मिलके अभी हम वापस घर जा रहे हैं सियालकोट, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे मज़ीद अच्छी वीडियोस आ रही है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।